कहानी की शुरुआत में हम लिंडस्ट्रॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है, जिसे दो पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहे होते हैं। लिंडस्ट्रॉम काफी डरा सहमा दिखाई देता है और उनसे कहता है कि मैं गलती से भी ग्रेक्लॉड आइलैंड के बीच से होकर नहीं जाता, क्योंकि मुझे वहाँ की सभी हॉन्टेड स्टोरीज के बारे में पता है। पर रोड पर कई घंटों से बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, जिस वजह से मैंने आइलैंड के बीच का रास्ता ले लिया, क्योंकि मुझे डिलीवरी देने जाना था और उस रास्ते से जाने में वक्त कम लगता है। जिसके बाद हमें ग्रेक्लॉड आइलैंड की पूरी कहानी दिखाई जाती है, जहां हम दो सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है। वो कार से चार न्यू स्टूडेंट को बाहर निकालते हैं, जिनका नाम रैंडन, एस्ले, डेविड और बॉबी होता है। दरअसल ये जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो एक कापा क्लब के मेंबर होते हैं, और जो चार नए स्टूडेंट इनके साथ होते हैं वो भी इसी कापा क्लब के मेंबर बनना चाहते थे, जिसके लिए वो दो सीनियर इन्हें एक टास्क देते हैं, जिसमें इन्हें पैदल चलकर आइलैंड के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना होगा, जहां ना तो उनके पास कोई मोबाइल होगा न ही कोई मैप। वो लोग सिर्फ अपने साथ एक टॉर्च लेकर जा सकते हैं, और साथ ही आइलैंड को पार करने के लिए उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रोड से होकर जाता था, अगर ये रोड के रास्ते से आइलैंड पार करते हैं तो इनको कई घंटे लग जाएंगे, और दूसरा रास्ता आइलैंड के बीच से होकर गुजरता था, जिसे जाने पर उन्हें सिर्फ कुछ घंटे लगेंगे, और अगर उन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया तो उन्हें कापा क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा। लेकिन ये आइलैंड काफी हॉन्टेड होता है, जिसके बाद वो सीनियर स्टूडेंट कार लेकर चले जाते हैं, और वो चार नए स्टूडेंट आइलैंड को पार करने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं और घंटों जंगलों से होकर आगे जाने लगते हैं। मगर रास्ते में चारों स्टूडेंट अपनी अपनी हॉरर स्टोरीज एक दूसरे से शेयर करते हैं, जहां पहला स्टूडेंट ये कहता है कि यहां उन आदिवासियों को दफनाया गया है जो यहां मरे थे, ये उनका ग्रेवयार्ड है। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि इस जंगल में एक हेडलेस लेडी भटकती है जो अपने लिए नया सर ढूंढ रही है। फिर तीसरा स्टूडेंट कहता है कि मैंने ये सुना है कि यहाँ एक हॉन्टेड पिकअप ट्रक भी घूमता है जो रास्ते में आने वाले सभी लोगों को कुचलता हुआ जाता है। जिस पर चौथा स्टूडेंट कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर एक होल है जिसे नर्क का आठवां दरवाजा माना जाता है। जिसके बाद आगे रास्ते में इन चारों को एक मसाल पकड़े हुए दो लोग दिखाई देते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं। क्यूरियोसिटी में ये चारों स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो दोनों लोग एक घर में चले जाते हैं, जिसके पीछे वो स्टूडेंट भी वहाँ चले जाते हैं, जहाँ जाने पर उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसे चेन से बांधा हुआ होता है और उसके फेस पर एक मेटल मास्क लगा हुआ होता है, जिसकी ये चारों मदद करने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसने मेटल का वो सेम मास्क पहना हुआ था। उनमें से एक स्टूडेंट डेविड उस आदमी के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि उस लड़की को इस तरह से क्यों बांधा हुआ है। वो उस आदमी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो आदमी डेविड के सर पर नाइफ से अटैक करके उसे जान से मार देता है, जिसे देखकर बाकी के तीन स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो आदमी अब बाकी के स्टूडेंट्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जमीन पर पड़े हुए डेविड के खून से फिसलकर वो नीचे गिर जाता है। तभी बाकी के तीन स्टूडेंट उस पर हमला कर देते हैं और उसे उसके ही नाइफ से मार डालते हैं, और फिर वो उस ट्रैप लड़की को चेन से छुड़ाते हैं और वहाँ से जंगल की ओर भागते हैं। जिसके बाद वहाँ एक लेडी आती है जिसने मसाल पकड़ी होती है, जो दिखने में एक वॉरियर की तरह लग रही थी। वो उन खाली चेन्स को देखती है और उन स्टूडेंट को ढूंढने लगती है, जहां दूसरी तरफ वो सभी स्टूडेंट उस लड़की के साथ भागते हुए एक अर्थ होल के पास आकर रुकते हैं, और ये वही होल होता है जो हिल का आठवां गेट होता है। और फिर हम उन दोनों सीनियर स्टूडेंट को कार में बैठा हुआ देखते हैं जो म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तभी उन्हें कार के आसपास कोई हलचल होती दिखाई देती है, और कार की हेडलाइट ऑन करते ही उन्हें वहाँ वही वॉरियर लेडी दिखाई देती है जो अपने दो साथियों के साथ खड़ी होती है, और उसके दो साथी उन दोनों स्टूडेंट को मार डालते हैं। जिसके बाद हम उन तीनों स्टूडेंट को देखते हैं जिन्हें जंगल के बीच एक घर दिखाई देता है, जहां वो मदद मांगने चले जाते हैं, और वो घर एक ओल्ड लेडी का होता है जो वहां अकेली रहती थी। वो सभी वहां जाकर उससे मदद मांगने लगते हैं। वो ओल्ड लेडी उन सबको देखकर डर जाती है। ब्रैंडन उस ओल्ड लेडी को समझाने लगता है कि हम एक मुसीबत में फंसे हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। जिसके बाद ब्रैंडन उस लड़की के चेन और हथकड़ी को तोड़ने के लिए कटर लेने के लिए बेसमेंट में चला जाता है।
और बॉबी पुलिस को कॉल मिलाने के लिए घर में फोन ढूंढता है, जहां एसले उस लड़की के साथ गेस्ट रूम में ही रुक जाता है। और एसले उस लेडी से पूछता है कि क्या आपके पास कोई हथियार है, जिस पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि नहीं, और फिर चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इधर बॉबी पुलिस को कॉल मिला चुका होता है, तभी पीछे से वो ओल्ड लेडी आकर बॉबी पर हमला कर देती है और नाइफ से उसका गला काट कर उसे जान से मार देती है। और कॉल पर उन पुलिस ऑफिसर को बहाना बनाते हुए कहती है कि उसके ग्रैंडसन ने मस्ती के लिए कॉल मिला दिया था। इधर वो लड़की वॉल पर लगे हुए एक तस्वीर को देखती है, जिसमें वॉरियर डीमन से लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में ब्रैंडन को कई सारे हथियार दिखते हैं, जिसे देख ब्रैंडन हैरान हो जाता है। तभी वो ओल्ड लेडी ब्रैंडन को बाहर से लॉक कर देती है और घर की लाइट ऑफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एसले बॉबी और ब्रैंडन को अंधेरे में ढूंढते हुए बेसमेंट के बाहर आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ब्रैंडन अंदर लॉक हो चुका है, इसीलिए वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके पीछे वो ओल्ड लेडी आकर उस पर हमला कर देती है। तभी पीछे से वो लड़की कर उस ओल्ड लेडी का चेन से गला दबा देती है और नाइफ से उसको मार डालती है और एसले को बचा लेती है, जिसके बाद फिर एसले ब्रैंडन को बेसमेंट से बाहर निकालता है और फिर वो सभी बॉबी के लाश देखते हैं, जिसे ओल्ड लेडी ने मारा था, जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वहाँ कल्ट के कई सारे लोग उसी घर के पास आने लगते हैं, जिन्हें देख वो तीनों पीछे के गेट से जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ वो वॉरियर लेडी भी उनका पीछा कर रही होती है। वो एक कुल्हाड़ी फेंकती है जो सीधा एसले को जाकर लगती है, जिससे उसकी भी जान चली जाती है। जिसके बाद अब ब्रैंडन और वो लड़की ही बचे होते हैं। ब्रैंडन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस लड़की को लेकर रोड की तरफ भागता है, जहां उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है जो लिंडस्ट्रॉम का होता है, जिससे ब्रैंडन लिफ्ट मांगता है पर लिंडस्ट्रॉम उसे मना कर देता है। तभी उसके ट्रक पर एक कुल्हाड़ी आकर लगती है जो वॉरियर लेडी की होती है, और फिर ब्रैंडन और वो लड़की उस ट्रक पर चढ़ जाते हैं और वॉरियर लेडी को अपनी तरफ आते देख लिंडस्ट्रॉम ट्रक को चला देता है, जहां वो सभी उस वॉरियर लेडी से तो बच जाते हैं, पर जब ब्रैंडन उस लड़की के फेस से उस मेटल के मास्क को वहां पड़ी रॉड से हटा देता है तो उस लड़की की आंखों का रंग बदलने लगता है और उसके नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं और वो लड़की एक भयानक और खतरनाक डीमन में बदल जाती है, जो ब्रैंडन पर हमला करके उसे भी मार डालती है। और ब्रैंडन को मारकर वो उस ट्रक से उतरकर भाग जाती है, जिसे देख लिंडस्ट्रॉम भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है और ब्रैंडन की डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। और फिर हम लिंडस्ट्रॉम को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में अपनी इसी कहानी को सुना रहा होता है। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये बात किसी और को बताई, जिस पर वो ना में जवाब देता है। फिर वो ऑफिसर उसे बताते हैं कि इस आइलैंड के बीच घने जंगलों में अर्थ का एक होल है, जिसे हिल का गेट भी कहा जाता है, जहाँ से दूसरी दुनिया के डीमंस इस दुनिया में आते हैं, और जो कल्ट के लोग हैं, यानी वो वॉरियर, वो सभी उन डीमंस को खत्म करके इस दुनिया की रक्षा करते हैं, पर अब तुम्हारे और उन स्टूडेंट के वजह से वो डीमन बचकर भाग चुके हैं। जिसके बाद एक ऑफिसर लिंडस्ट्रॉम को पीछे से दबोच लेता है और उसे भी मार डालता है, ताकि इसके बारे में किसी को भी पता न चले, क्योंकि ये एक राज है जो राज ही रहना चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।